सो हेलो दोस्तों, आप देख रहे होंगे आज हमारे पास कौन सी गाड़ी है। यहाँ पे है TVS की RTR 310। बहुत ही बढ़िया लग रही है ना, रोड प्रेजेंस तो एक नंबर है। तो स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे केसी व्लॉग्स। आज इसका एक रिव्यू करने जा रहे हैं और आपको बताएंगे इस गाड़ी में क्या खासियत है और क्या मतलब इसके कॉन्स हैं वो भी बताएंगे, क्योंकि इस गाड़ी में ना मुझे कॉन्स भी देखने को मिले हैं और भाई प्रोज तो देखने को मिले ही हैं, क्योंकि भाई गाड़ी एक नंबर है दिखने में, रोड प्रेजेंस के मामले में, पावर के मामले में। चलिए डिटेल में घुसते हैं और सीधे आपको दिखाते हैं बाइक। तो सबसे पहले आपको बाइक का ओवरव्यू दे देता हूं, पूरा वॉक अराउंड। आप देख सकते हो रोड में किस तरीके की लग रही है ये गाड़ी, आप देख सकते हैं एकदम मतलब एक नंबर गाड़ी देखने में है। और ये जो वेरियंट है वो आप देख सकते हो, रेड एंड ब्लैक वाला वेरियंट है, येलो वाला नहीं है। येलो वाला भी बढ़िया लगता है एंड वाइट वाला भी, ब्लू वाला जो है वो भी बढ़िया लगता है। तो ये देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया है। चलिए सबसे पहले बात करेंगे इसके प्राइस की। तो लखनऊ में ये मिली है 3,15,000 रुपये की, मतलब 3,02,000 रुपये की ये है ऑन रोड। बाकी इसमें आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि मॉड वाली नहीं है, बट इसमें कुछ चीज़ें जो मिलेंगी आपको जो स्टॉक में मिलती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिल जाता है, देख सकते हैं यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल। तो ये दो चीज़ आपको मिल जाएंगी 3,02,000 रुपये में, जो कि मैं कहूँगा यार प्राइस के मामले में ठीक है, बहुत ही बढ़िया फीचर आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। बाइक का जो लुक है ना, थोड़ा सा आपने देखा होगा डुकाटी स्ट्रीट फाइटर की तरह बना रखा है, जो कि अपने ही में बढ़िया लगता है। 310 cc की गाड़ी है और उसमें इस तरीके की चीज़ें मिल जाए ना तो मज़ा आ जाती है। बाकी इंजन तो आप पहले भी चला चुके हो याली, ये इंजन है 310 cc का, जो कि आपको RR310 में देखने को मिला था, बट यहाँ पे थोड़ा सा पावर को इंक्रीज़ किया गया है, आपको यहाँ 38 PS की पावर देखने को मिल जाती है। एंड अगर टॉर्क की बात करूँ तो यहाँ पर आपको टॉर्क ज़्यादा देखने को मिलता है RR310 से, तो पावर भी ज़्यादा है, टॉर्क भी ज़्यादा है। टॉर्क इसमें मिलती है आपको 28.7 Nm का टॉर्क, और अगर RR310 की बात करूँ वहाँ पर आपको 27 टॉर्क देखने को मिलता है, बट वहाँ पे एक एडवांटेज मिल जाता है कि वो फुली एरोडायनेमिक आपको देखने को मिलती है। ये नेकेड बाइक है तो आपको थोड़ा सा विंड रैक का यहाँ पे सिचुएशन झेलना पड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखें इसमें भी बहुत ही अच्छा एरोडायनेमिक का काम किया गया है, बट स्टिल नेकेड है तो ज़्यादा आपको विंड रैक यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये इशू यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर रेडिएटर की बात करूँ तो आप देख सकते हो थोड़ा सा यहाँ पे डुकाटी स्ट्रीट फाइटर की तरह डिज़ाइन किया हुआ है, ऑल्दो बहुत बढ़िया लग रहा है यहाँ पे आप देख सकते हैं। प्लस अगर मैं इसकी प्रीमियमनेस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो फ्रंट वाले शॉकर्स हैं ना वो आपको अपसाइड डाउन देखने को मिलते हैं, प्लस गोल्डन कलर के देखने को मिलते हैं। अगर आप कुछ ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हो, इनके पर्क्स आते हैं दो तरीके के, तो उसमें आपको एक 18,000 का एक 21,000 के अपडेट देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपको ये एडजस्टेबल शॉकर्स देखने को मिल जाएंगे। पीछे वाले शॉकर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाता है प्रीलोड। एंड साथ ही साथ अगर मैं इसके अलॉयज़ की बात करूँ तो यहाँ आप देख सकते हो रेड कलर का है, फ्रंट में ब्लैक कलर के अलॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप याला वेरिएंट लेते हो तो आपको ये कॉम्बिनेशन मिलेगा, एंड आप अगर येलो वाला कॉम्बिनेशन लेते हो उसमें आपको येलो अलॉयज़ देखने को मिल जाते हैं। टायर की बात करूँ, टॉप नॉच टायर यहाँ पे यूज़ किए गए हैं मिशलिन की तरफ से, आपको रोड 5 टायर देखने को मिल जाते हैं। एंड आप देख सकते हैं इसकी ग्रिप बहुत ही बढ़िया होने वाली है, एंड ये बहुत ही बढ़िया ग्रिप आपको प्रोवाइड करने वाला है। पीछे के भी और आगे के भी दोनों ही रोड यूज़ किए गए हैं मिशलिन की तरफ से। पीछे का जो सेक्शन है 150 सेक्शन है, और आगे का अगर सेक्शन की बात करूँ यहाँ पर आपको मिलता है 110 सेक्शन का टायर। तो भाई टायर के मामले में ये एक नंबर होने वाली है, ब्रेकिंग भी इसकी एक नंबर होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं बाइबर के कैलिपर्स एंड पैडल डिस्क आपको देखने मिलती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपकी कूलिंग अच्छी होने वाली है डिस्प्लेट में। पीछे की अगर डिस्प्लेट की बात करूँ वहाँ पे भी आप पैडल डिस्क देखने को मिलते हैं, बाइबर की तरफ से कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ टॉप नॉच ब्रेकिंग इसकी होने वाली है, वो भी हम टेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। अगर मैं इसके एग्जॉस्ट के पाइप की बात करूँ वो भी कुछ टाइटेनियम के देखने को मिल रहे हैं मेरे को, टाइटेनियम ही है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है 90%, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अब आपको दिखाते हैं इसके फीचर जो कि सबसे मेन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर कुछ इस तरीके का है, हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप आ रही है तो इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, बट आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स आपको देखने को मिल जाती है, टॉप स्पीड है, ओडोमीटर है, रेंज है, एंड साइड स्टैंड की यहाँ वार्निंग आ रही है, किल स्विच की वार्निंग भी है यहाँ पे, ABS की लाइट आ रही है, ट्रैक्शन कंट्रोल यहाँ पे आपकी लाइट दिखती है, क्रूज कंट्रोल की, एंड यहाँ पे आपको चार मोड देखने को मिल जाते हैं। चलिए हम दिखा देते हैं आपको चार मोड। तो जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर राइड मोड है, राइड मोड में हम जब जाएंगे तो यहाँ पर अर्बन मिलता है, रेन मिलता है, स्पोर्ट मिलता है, ट्रैक मिलता है। स्पोर्ट और ट्रैक पहली सर्विस तक इनेबल नहीं होगा, तो इस समय इसमें इनेबल नहीं है, 1000 किलोमीटर बाद ही ये ओपन होगा। बैग में जाते हैं, यहाँ पे आपको ट्रिप डिटेल मिल जाती है, ABC एंड माय व्हीकल में आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, सर्विस पीरियड एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिकॉर्ड,
यहाँ डॉक्यूमेंट्स एंड प्रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ डायनेमिक हेडलाइट देखने को मिल जाता है। तो डायनेमिक हेडलाइट की बात करूँ अगर मैं, तो यहाँ भी आपको डायनेमिक हेडलाइट दिए गए हैं, जिसका काम है जब आप स्पीड में चलाते हो, 100 की स्पीड में जाओगे, इसका जो फोकस है, इसका जो लाइट की इंटेंसिटी है, हाई होती चली जाएगी। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी, इसकी लाइट की इंटेंसिटी और ज़्यादा होती जाएगी। तो इसका परफॉर्मेंस अगर बात करूँ रात में, तो इस हेडलाइट का जो परफॉर्मेंस है ना भाई, एक नंबर है। बहुत ही बढ़िया ब्राइट लाइट रोड में देखने को मिल जाती है। बाकी इसके DRL भी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी सेटिंग्स की तरफ। अब सेटिंग में हम जाते हैं, यहाँ देख सकते हो आप DRL को भी सेट कर सकते हो ऑटोमेटिक एंड मैनुअल में। एंड ट्रैक्शन कंट्रोल है यहाँ पे, आपको ऑन ऑफ़ कर सकते हो ट्रैक्शन कंट्रोल। यहाँ पे आपको क्विक शिफ्टर मिलता है, इसका भी आप ऑफ़ कर सकते हो क्विक शिफ्टर अगर आपको नहीं चाहिए। बाकी यहाँ पे स्पीड अलर्ट आपको देखने को मिल जाता है, कनेक्टिविटी देखने को मिल जाता है, डिस्प्ले सेटअप है। यहाँ पे आप ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो अपने डिस्प्ले की, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ, ऑटो पे लगी है। मैनुअल में जाएंगे तो मैनुअल से आप सेट कर सकते हैं आपको कितनी ब्राइटनेस चाहिए, ठीक है। एंड ऑटो पे अभी सेट कर देते हैं इसको हम फिलहाल। बाकी क्लॉक, डेट, डे नाइट सब यहाँ से आपको देखने को मिल जाता है। कस्टम विजिट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप अपनी हिसाब से विजिट को कस्टम कर सकते हो। प्लस अगर मैं स्पीड अलर्ट की बात करूँ, तो यहाँ आप सेट कर सकते हो स्पीड अलर्ट, कितने स्पीड में आपको अलर्ट करना है, 60 में इस समय लगा हुआ है। तो ये सब सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती हैं। तो स्टॉक वर्जन में आपको जो चीज़ नहीं मिलती है, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग आपको इसमें देखने को नहीं मिलता है, कॉर्नर ABS आपको देखने को नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए आपको एक एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बट मैं TVS वालों से ये कहना चाहता हूँ भाई, इतने मॉड देने से अच्छा आप इस सबको इंक्लूड करके एक बाइक में देते तो ज़्यादा बेटर होता। मॉड के लिए आप रखते इसका, जैसे कि फिजिकल शॉकर्स के लिए रखते या इसकी सीट के लिए रखते, बाकी आपको पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स देने चाहिए थे। ये भाई स्ट्रैटेजी है, पैसे को कैसे कम और ज़्यादा करना है। कम बताएंगे तभी लोग बाइक लेंगे, और थोड़ा सा लालच देंगे जिसका मतलब बजट ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लेगा। तो चलिए इसको थोड़ा चलाते हैं और देखते हैं चलने में कैसी है। ज़्यादा नहीं भगाएंगे क्योंकि अभी नई बाइक है, एक बार सर्विस हो जाती है तो आपको इसकी टॉप स्पीड भी दिखाएंगे। फिलहाल अर्बन में भी ये बहुत तगड़ी भागती है, 130 प्लस जाती है, बट हम अभी नहीं भगाएंगे उतना क्योंकि भाई नई बाइक है, नई बाइक को हम बहुत अच्छे से चलाएंगे। उसके बाद जैसे ही इसकी सर्विस होगी तब थोड़ा सा इसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, तो उसके लिए भी वेट करिए। बाकी बाइक आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए सीधे अब मिलते हैं आपसे हेलमेट के कैमरे में, और दिखाते हैं बाइक चलने में कैसी, और थोड़ा सा राइड करेंगे, इसकी राइड क्वालिटी क्या है उसके बारे में बताएंगे। चलिए भाई अब इसको चलाते हैं थोड़ा सा और फील लेते हैं, और आपको भी फील बताते हैं इस गाड़ी का कैसा है। उससे पहले इसकी साउंड मैं आपको सुना देता हूं, क्योंकि साउंड मैं आपको नहीं सुना पाया, तो चलिए साउंड सुनाते हैं और आप लोग अपना कमेंट बताइएगा आपको साउंड कैसी लगी, आवाज़ आपको अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, क्योंकि मुझे थोड़ी फील हुई है इस गाड़ी में वाइब्रेशन। बाकी एक बार चलाते हैं और देखते हैं फिर बताते हैं। आवाज़ यार एक नंबर है, आवाज़ मुझे लगता है RR310 से ज़्यादा बढ़िया है। प्लस थोड़ा सा मैंने पट 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 करके आवाज़ आ रही पटरे की, जैसे V4 में V2 में जैसी साउंड आती है ना, कुछ उस तरीके की साउंड है। एंड यहाँ पे मैं क्या देख पा रहा हूँ, अगर आप देखें यहाँ पे आपको इंजन ऑयल का नहीं मिलेगा कहीं भी, क्योंकि रिवर्स वाला इंजन है, रिवर्स इंक्लाइन, तो यहाँ पे ऑयल का कैप दिया हुआ है, जो इंजन का ऑयल है वो यहाँ से भरता है। अधिकतर आपने बाइक में देखा होगा राइट साइड में होता है, क्योंकि रिवर्स इंक्लाइन है तो उसका लेफ्ट साइड में आपको मिलता है। चलिए इसको चलाते हैं और देखते हैं चलने में कैसी है। ज़्यादा नहीं भगाएंगे, कोशिश करेंगे 40 से 60 तक की जाएं, उससे ज़्यादा नहीं जाएंगे। बाकी कंफर्टेबल बाइक है और कॉम्पैक्ट बाइक लग रही है, मतलब छोटी तो लग रही है और कम्फर्टेबल लग रही है। सीट भी इसकी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, हार्ड भी नहीं है, मीडियम पे मैं कह सकता हूँ। ज़्यादा इसमें ट्रैवल नहीं देखने को मिल रहा है गद्दी में, मतलब जो ट्रैवल होता है ना, ज़्यादा दब रही है, कम दब रही है, फोम उतना ज़्यादा नहीं है। पीछे वाली सीट की बात करूँ तो पीछे वाली सीट भी कंफर्टेबल है। बाकी यार गाड़ी बहुत स्मूथ है, हैंडलिंग की बात करूँ तो हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है, कॉम्पैक्ट है तो भाई बढ़िया है। चलिए एक राउंड मार लेते हैं हम यहाँ पे। भाई पिकअप बहुत तगड़ा है भाई इसमें, अगर मैं कंपेयर करूं इस बाइक को RR310 से, तो RR310 से ज़्यादा अच्छा पिकअप देखने को मिल रहा है मुझे यहाँ पे। इनिशियल बहुत तगड़ा है, बहुत तगड़ा।
अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। ओ भाई साहब, इनिशियल, अरे बाप रे, इनिशियल बहुत तगड़ा भाई। अरे ये कहीं ना कहीं मैं बता दूं आपको, इजीली बीट कर देगी RR 310 को। ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी देखने को मिल रही है मुझे, ब्रॉड टायर है तो ब्रॉड की वजह से और अच्छी इसकी ब्रेकिंग होने वाली है, और भाई ब्रेक के कैलिपर्स हैं तो भाई ब्रेकिंग तो बढ़िया होगी। चलिए एक बार ब्रेक मारते हैं। ब्रेकिंग भी बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है भाई, गजब है गजब। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो साइड स्टैंड में इंजन कट ऑफ देखने को मिल जाता है ना, तो कोई इशू नहीं है, गाड़ी चलने में एकदम बढ़िया है। अभी रिसेंटली मैं बुलाना चाहूँगा नीतीश भाई को, जिनकी ये बाइक है, आ जाइए ज़रा पास में। तो नीतीश भाई आप देख सकते हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली बाइक ली है, लखनऊ की पहली है, यूपी की पहली बोल सकते हो, एंड इन्होंने कुछ फेस किया है यहाँ पे। तो हमारे जितने भी यूट्यूबर्स दोस्त हैं, जितने भी हमारी KSC फैमिली है, उन लोगों को ये चीज़ पता होनी चाहिए अगर वो बाइक लेने का प्लान कर रहे हैं। तो चलिए हम कैमरा चेंज करते हैं और भाई से थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। हाँ तो भाई बताइए, अब क्या प्रॉब्लम आ गई है इसमें? जो मेन प्रॉब्लम आ रही है ना, काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है, झटके ले रही है। जैसे मैं चला रहा हूँ, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है, रुक रही है, चल रही है। वो क्लिप मैं भाई से ले लूँगा और थोड़ा सा आपको दिखा दूँगा। झटके ले रही है, ये देखिए, ये देखो, ये देखिए, झटके ले रही है, पता नहीं क्या दिक्कत है, ये देखो, ये समझ में नहीं आ रही क्या हो रहा है, फुल पेट्रोल है भाई, क्या दिक्कत है, ये देखो। मतलब इतना बेकार, मतलब सब कुछ सही है लेकिन अगर चलने में ही ना अच्छी हो तो फिर बाइक का करें क्या। शोरूम पे भी बात हुई मेरी, मैंने उनसे बोला कि अभी RTO का पेपर वगैरह कुछ नहीं हुआ है, चेंज कर दो आप, तो उन्होंने तो मना कर दिया, उन्होंने अपने हाथ ऐसे खड़े कर लिए। अब उन्होंने बोला कि सर्विस में देखा जाएगा। तो भाई एक चीज़ मुझे जाननी है, अगर नई बाइक को खोलना पड़ जाए तो मतलब ही क्या है नई बाइक होने का, फिर तो मैं सेकेंड हैंड ही खरीद लूँ, उसको खोल खलवा के तो बनवा ही लूँगा। तो अगर नई ले रहा हूँ इतनी महंगी, एक तरीके से आप देखोगे ना RR 310 से भी महंगी, अगर पूरा पैक इसका ज्वाइंट कर लो तो TVS की सबसे महंगी बाइक होने के बाद TVS ने ऐसे अपने हाथ खड़े कर लिए। अरे भाई अगर पहली दे रहे हो तुम तो इतना तो रखो ना कि प्रॉब्लम आए तो कस्टमर को इतना दो कि भाई हाँ अगर आप में एक दो दिन में प्रॉब्लम आई चेंज कर देंगे। और मेन चीज़ सबसे खतरनाक, उन्होंने अपना टैप कनेक्ट किया, सब कुछ कर लिया, उसमें प्रॉब्लम ही नहीं सोल्व हुई। ये तो चलिए ठीक है, एक बात है। तो आप क्या हिदायत देना चाहेंगे बाइक लेने से पहले क्या चीज़ की जाए? मैं तो कहूँगा वेट कर लो, पहले जितनी बिक जाए उनको बिक जाने दो, प्रॉब्लम आ जाने दो, लो बाइक बेकार नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, प्राइस के सबसे अच्छी है। और टेस्ट राइड भी ले लें, बहुत टेस्ट ड्राइव तो बिल्कुल लो भाई, देखो वाइब्रेशंस भी हैं, लेकिन अब वो सबके ऊपर डिपेंड है किसको कितना बेकार लगता है कितना, वो हम लोग कुछ नहीं बता सकते हैं। तो भाई देखिए, गाड़ी में वाइब्रेशन है, मेरी बस इतनी हिदायत है, आप लोग टेस्ट राइड लेते हो ना तो टेस्ट राइड टेस्ट व्हीकल की लेते हो, अगर आपका प्लान बन जाता है लेने का कि यही बाइक मेरे को उठानी है तो एक बार चलाओ जरूर उसको। तो जो आपको बाइक मिलने वाली है ना उसकी टेस्ट राइड जरूर ले, ठीक है, तभी उस बाइक को ले, नहीं तो मत ले, ये गलती शायद भाई ने की है। अब जल्दी जल्दी हाँ, जल्दी जल्दी नहीं थी वो भाई, होता है थोड़ा सा इंसान को होता है कि भाई लेनी है गाड़ी, आ गई बस मिल जाए मुझे मेरे हाथ में। तो भाई अभी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है इस बाइक में, हालांकि बाइक बहुत बढ़िया है, वाइब्रेशन देखने को मिले, मैंने अभी चलाया था आपको दिखाया, वाइब्रेशन है गाड़ी में लेकिन उतना फील नहीं हो रहे, RR 310 के मुकाबले वाइब्रेशन ज़्यादा है इसमें अगर मैं उससे कंपेयर करूँगा, लेकिन पावर उससे कहीं ज़्यादा है, मैंने फील किया इनिशियल इसका ना भाई, आप एक्सीलेटर लोगे आपको फील होगा, एक जी फोर्स जो होता है ना वो फील होगा आपको, पीछे आपको धक्का लगेगा, तो पावर एक नंबर है, ट्रैक्शन कंट्रोल भी यहाँ पे मिल जा रहा है, सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो होप करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने आपको ये भी बता दिया कि ओनर को क्या दिक्कत आ रही है इस बाइक से, तो ये भी शायद सॉल्व हो जाए, कर दे TVS वाले, नहीं करेंगे तो हम कोशिश करेंगे गाड़ी को चेंज करने की। फिलहाल ये वीडियो थी आपके लिए, होप करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड सेफ, स्टे सेफ, हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, मस्त रहिए। इसकी और भी वीडियोस आपको मैं आगे आने वाले टाइम में दूंगा, और इसके प्रॉब्लम की जानकारी के लिए आप टेक बाइकर का चैनल देख सकते हैं, वहाँ पे आपको इनकी सारी प्रॉब्लम जो भी हो रही है ना वहाँ पे डे टू डे, टाइम टू टाइम वीडियोस में मिलती रहेगी।